नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेबीएन डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन द टॉपिक मल्टीमीडिया डेटाबेस। व्हाट इज मल्टीमीडिया डेटाबेस? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड मल्टीमीडिया डेटा that includes text, graphics, in graphics like sketches, drawings, images, animation, video, audio, etc. and have vast amount of multi-source multimedia data, right? So the framework that manages different types of multimedia data which can be stored, delivered and utilized in different ways is known as मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, मींस उस डेटाबेस में क्या होगा कि सारे टेक्स्ट फाइल भी होगी, इमेज फाइल भी होगी और आपकी जो वीडियो फाइल भी होगी, तो मींस मिक्सचर कह सकते हो आप। ठीक है, तो जो दे आर थ्री क्लासेस ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस विच इंक्लूड्स स्टैटिक मीडिया, डायनेमिक मीडिया एंड डायमेंशनल मीडिया। तो जो कंटेंट है मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसे मीडिया डेटा में क्या हो गया, एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीडिया फॉर्मेट डेटा में आप फॉर्मेट का ध्यान रखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन सच जैसे सैम्पलिंग रेट हो गया, रेजोल्यूशन हो गया आपका, एनकोडिंग स्कीम होगी, स्कीम अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द मीडिया डेटा आफ्टर इट गोज थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेसिंग एंड एनकोडिंग फेज, कीवर्ड सॉरी मीडिया की कीवर्ड डेटा इसमें क्या हो जाएगा, तो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन जो रिलेटिंग टू द जनरेशन ऑफ डेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटेंट डिस्क्रिप्टिव डेटा लाइक डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कई बार देखा होगा जैसे कोई पिक्चर फोटो लेता है उसमें टाइम डेट सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। हाँ, अब मीडिया कीवर्ड डेटा की ये मीडिया फीचर डेटा की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कंटेंट डिपेंडेंट डेटा सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स, काइंड ऑफ टेक्सचर एंड डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट इन डेटा। ठीक है, तो ये पांच तरीके के ये होगा इसमें आपके क्या ये टाइप्स ऑफ जो कंटेंट ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर दीज। रिपोजिटरी एप्लीकेशंस, इसमें क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीमीडिया डेटा एज वेल एज मेटा डेटा लाइक मीडिया फॉर्मेट डेट, मीडिया कीवर्ड डेटा, मीडिया फीचर डेटा, ओके, सो दैट इज स्टोर्ड फॉर रिट्रीवल पर्पज। एग्जाम्पल, रिपोजिटरी ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, रेडियोलॉजी स्कैन पिक्चर्स। ओके, सो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसमें दे इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया डेटा सब्जेक्ट टू टेम्परल कंस्ट्रेंट, ऑप्टिमल व्यूइंग और लिसनिंग रिक्वायर्स DBMS टू डिलीवर डेटा टू सर्टेन रेट ऑफरिंग द क्वालिटी ऑफ सिस्टम। ओके, सो ये बेसिकली किसके प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कोलैबोरेटिव वर्क यूजिंग मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग अ कॉम्प्लेक्स टास्क बाय इमर्जिंग ड्राइंग्स, चेंजिंग नोटिफिकेशन, जैसे कि इंटेलिजेंट हेल्थ केयर नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स दे आर स्टिल मेनी चैलेंजेस ऑफ चैलेंजेस टू मल्टीमीडिया डेटाबेस। उस जो चैलेंजेस हैं उसमें से कुछ जैसे हैं कि मॉडलिंग डिज़ाइन, मॉडलिंग में क्या करेंगे कि दिस वर्क्स इन द एरिया विच कैन इम्प्रूव डेटाबेस वर्सेस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक, दस डॉक्यूमेंट्स कंस्टिट्यूट अ स्पेशलाइज्ड एरिया एंड डिजर्व स्पेशल कंसिडरेशन। डिज़ाइन की बात करते हैं, तो कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस हैज नॉट येट बीन एड्रेस्ड फुली एज परफॉर्मेंस एंड
tuning issues at each level are far for complex for more complex as they consist of variety of formats. वो formats कौन कौन संग JPEG, GIF, PNG, MPEG. Okay, so which is not easy to convert from one form to another. इतना आसान नहीं होता उसको एक से दूसरे form में convert करना. Next आते हैं storage की. Storage में क्या हो गया? Storage of multimedia database of an stored link, sorry, standard link, which is present the problem of representation. And इसमें क्या देखोगे कि जो standard disk है ये क्या prevent problem, किस problem को prevent कर रहा है कि representation, compression, mapping and device hierarchies, archiving and buffering during input-output operations. In DBMS, blob, that is binary large objects, family allows, facility allows uptyped bitmap onto this facility allows untyped bitmap to be stored and retrieved. बात करते हैं परफॉर्मेंस की. परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगा कि इट बेसिकली इसमें क्या होगा, जो वीडियो प्लेबैक है, ऑडियो है, वो कैसा सिंक्रोनाइज हुआ है, उसकी फिजिकल लिमिटेशन कैसी क्या है, डोमिनेट किसी को कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें अपन देखेंगे. ठीक है, अब क्वेरीज एंड रिट्रीवल. इसमें हम देखेंगे कि फॉर मल्टीमीडिया डेटा लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, एक्सेसिंग डेटा थ्रू क्वेरी प्रोसेसिंग और ऑफन आप जो अपना क्या बोलते हैं जो क्वेरी आई है उसको देखेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ कहाँ से हो सकती है, फिर उसको सोल्यूशन निकाल के करेंगे. अब एरिया की बात करते हैं कि एरिया वेयर मल्टीमीडिया डेटाबेस इज अप्लाइड आर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट. इसमें क्या होगा, जितना भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका रिकॉर्ड, उसका मैनेजमेंट होगा. इसमें इंडस्ट्री होगी, बिजनेस होगी, जो कि डिटेल रिपोर्ट और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसको रखते हैं, बट स्टिल ठीक है, टेंशंस जैसे है तो एकदम से अपन भूल जाते हैं तो रिकॉर्ड रखते हैं. नॉलेज डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो गया, मल्टीमीडिया डेटाबेस जो है इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर नॉलेज डिसमिनेटेड ऑफ इसमें जो अपन देखे कि बहुत सारे अलग रिसोर्सेज थे. नॉलेज मतलब कई जगह से नॉलेज प्राप्त की जा सकती है और वो अलग अलग आपका वो ले लेगा, क्या ले लेगा कि उसका डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा. ठीक है, अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर एडेड लर्निंग मटेरियल्स कैन बी डिज़ाइन यूजिंग मल्टीमीडिया सोर्स विच आर नाउ डेज वेरी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ तो इसमें जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग मटेरियल्स है उसमें हम इस तरह से मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं ताकि वो आजकल जो कि जैसे देख रहे हैं कि हम लोग जो अपना क्लासेस दे रहे हैं जब डिजिटल ही चीज इससे बहुत यूज़फुल होता है. ठीक है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, रिटेलिंग, एंटरटेनमेंट एंड रूल्स रेगुलेशन रूल्स रियल टाइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग. इसमें क्या हो जाएगा, रियल टाइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में कि दिस कपल विद बहुत ही यू नो ऐसी चीज़ हो जाएगी कि सिस्टम भी सही रखना पड़ेगा. ठीक है, तो रियल टाइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में क्या हो जाएगा, कैपिटल विद इन बेस एंड इसमें ड्रॉ अटेंशन करना पड़ेगा
इसमें दिस कपल्ड विद एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस कैन बी वेरी इफेक्टिव मीन्स फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड if Jyoti Vidya Performance University Jaipur, if you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.